पीने का, तो बस मैं खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस इसको खुद से थोड़ा बहुत बीट कर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। तो मैंने कहा चले आज व्लॉग बनाती हूँ, इट्स बीन सो लॉन्ग। एक्चुअली आई वाज फीलिंग लिटिल लो, मतलब तबीयत तो ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्योंकि यहाँ पर विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स आई डोंट नो वाई आई फील लिटिल एंजाइटी और डिप्रेशन, मे बी आई मीन थोड़ी सी लोनलीनेस फील हो रही थी बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, दिन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, रात जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब तो रात स्टार्ट हो जाती है तो बिल्कुल ही अंधेरा बाहर और सन्नाटा और सिर्फ बारिश और ठंड। तो अभी आई एम नॉट यूज्ड टू फिट दैट ठंड, मैं बस दुआ कर रही हूँ लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम प्रेइंग कि जल्दी से बस समर्स आ जाएँ, जबकि कभी भी मैंने समर्स को इतना पसंद नहीं किया, बट सिंस यहाँ पर बहुत ठंड हो गई है और एज यू कैन सी मैं कॉफ़ी बना रही थी यहाँ पर, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बगैर फ़ैन के सो रही हूँ इतने दिन से, मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ कि पंखे की शाई शाई की आवाज़ जब तक नहीं आया ना तब तक नींद नहीं आती, लेकिन जब से यहाँ पर ठंड स्टार्ट हुई है तो वी कैन नॉट अफोर्ड फैन। वैसे कॉफ़ी तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, लेकिन मैंने कहा चले अब एक कप बना रही हूँ, मैं जिशान को भी टेस्ट करा देती हूँ। मैंने कहा पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं बस उनको यही कह रही थी कि जिशान ये थोड़ी सी लाइट सी लाइक हल्की फुल्की सी कॉफ़ी है, जस्ट कॉफी, मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का तो मैंने बना ली, तो ही वाज लाइक नहीं बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है और इत्तेफाक की बात है बहुत अच्छी भी बन गई थी। तो बस सैटरडे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम सब फ्रेशन अप हो गए थे, आई मीन मैं फ्रेशन अप हो गई थी बिकॉज जिशान घर पर थे, तो मुझे थोड़ा फीजिबल रहता है कि मुझे पीछे टेंशन नहीं होती कि रूहान कुछ करना था और यहाँ पर ये कोई चुड़ैल नज़र नहीं आ रही, ये मैं ही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब तक अब बाल हेयर ड्राई से ना सुखाए ना तो दो दिन तक बाल गीले नमी रहती है, पर ठंड लगती है। तो बस यहाँ पर जबकि मेरे बाल काफ़ी छोटे हो गए हैं, मैं कटवा के आई थी पाकिस्तान से, तो उस पर भी जो है ना ये सूखते नहीं हैं। और लकीली माय हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी टुडे, तो मैंने छोटे बहुत क्लिप्स बना लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के जब आपका पार्टनर केयरिंग हो, मतलब एक तो होता है ना कि आप कह के उनसे फेवर्स लेते हैं, लेकिन एक बगैर कहे जब आपको कोई हेल्प करे ना तो मतलब इतना प्रेशियस फील होता, जबकि छोटे छोटे काम है ये, मैं खुद भी करती हूँ, आई मीन मैं ही करती हूँ, बट यू नो थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर देना उसको बहुत एक स्पेशल फीलिंग आती है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, वैसे मैं खुद कर लेती, तो मैंने कहा नहीं कोई मसले की बात नहीं है, तुम अपने बाल वगैरह ड्राई कर लो, मैं ये कर लेता हूँ। तो बस अभी हमारी सुबह सुबह ही हुई थी, तो मैंने कहा चलें आप शावर ले लें जब तक मैं काम करती हूँ, मैं ना रूम क्लीन कर लेती हूँ बिकॉज फिर ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर डाइनिंग टेबल तो नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि डाइनिंग टेबल हो, तो बस मैंने कहा चले एक काम करती हूँ मैं ना बेड क्लीन कर लेती हूँ, इट्स बीन सो लॉन्ग मैं बेडशीट ही नहीं चेंज कर सकी, वो भी इसलिए क्योंकि एक तो बेडशीट्स काम है मेरे पास और दूसरी बात ये क्योंकि विंटर है तो यहाँ पर कपड़े भी इतनी देर से सूखते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना थोड़ी लेट चेंज करूँ और गंदी जल्दी ना हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता बच्चे के साथ, तो मतलब बेडशीट गंदी हो जाती है, लेकिन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट के चीज़ें कपड़े गंदे नहीं हो। तो बस यहाँ पर अब यहाँ पर क्योंकि ठंड है तो अगेन मैं बार बार ये जिक्र कर रही हूँ, तो यहाँ पर स्टैंड जिशान ने खोल दिया था, तो मैं बस जो बहुत कपड़े रह गए थे, आई मीन जो थोड़े से नमी वाले थे ना, वो मैंने घर कमरे के अंदर ही, आई मीन छोटा सा जो पैसेज एरिया है वहाँ पर सुखा दिए, और क्योंकि फ्रेश मशीन लगाई थी तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए थी, तो क्योंकि मैं एज आई टोल्ड यू कि मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा था, आई वॉज़ नॉट फीलिंग द मोस्ट, और व्लॉग बनाने के अभी मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, तो रात को किचन भी मैंने कुछ खास साफ नहीं किया था, थोड़े बहुत बर्तन थे मैं ऐसे ही छोड़ के, मैंने कहा चलो यार सुबह क्लीन कर लूँगी, तो बस अब मैंने कहा चलो बस यहाँ पर मैंने जो ज़रूरत के बर्तन थे वो वॉश किए, वैसे तो सारे वॉश कर लिए थे क्योंकि एक बार मैं किचन में आ जाऊँ तो फिर मुझसे अधूरा काम नहीं होता, मैं पूरे ही करती हूँ चाहे मुझे देरी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और चाय के बगैर तो सुबह होती नहीं है, और जब से यहाँ पे विंटर स्टार्ट हुआ है ना तो जिशान भी चाय रोज़ पीने लगे मेरे साथ, जबकि जिशान कोई ख़ास शौक से चाय नहीं पीते, ओकेजनली पी लेते हैं या जब उनको बन छन खाने होते हैं, तो लेकिन विंटर है ना ठंड होती है तो फिर चाय अच्छी लगती है सुबह नाश्ते में। अच्छा ब्रेकफास्ट तो वैसे भी हमारा सिंपल ही होता है, अंडे होते हैं और ब्रेड होती है, ब्रेड हम ब्राउन ब्रेड प्रेफर करते हैं, कभी कभी मैं पराठा भी बना लेती हूँ, आटा मौजूद होता है या जिशान का मूड होता है तो मैं पराठा भी बना लेती हूँ, लेकिन ये जो ब्राउन ब्रेड है ये इतनी अच्छी है, मतलब इसको खा के इतना फुलर फीलिंग आती है, मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपने सिर्फ ब्रेड के चंद पीसेस खाए हुए। तो बस यहाँ पर मैं टोस्ट बना रही थी, तो आई हैव आस्क्ड माय हस्बैंड, और मैं रोज़ ही उनसे पूछती हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल करे जो तुम्हें फीजिबल हो वो बना दो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ही नेवर बर्डनाइज मी, और मुझे लेकिन अच्छा लगता है कि वो मुझसे कुछ फरमाइश करें फिर वो करते हैं तो मैं बनाकर भी देती हूँ। जैसे आई हैव नोटिस कि आजकल की जो जनरेशन के जो हस्बैंड आ रहे हैं ना, जो मतलब जो कुछ मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड अपने सर्कल में देखा हुआ होता है, तो आजकल के जनरेशन के जो हस्बैंड हैं ना लाइक बहुत हेल्पफुल होते हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं
और मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, मैं ये कहूँगी इन अ वेरी गुड वे। इसका एक पीछे मेन वजह यही होती है, तो एक तो उनकी तरबियत, दूसरा ये है कि स्पेशली जो बैचलर में अकेले टाइम गुजार रहे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि जो है वो लाइफ थोड़ी बहुत टफ हो जाती है हम जब बाहर रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही हेल्प मी अलॉट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको खाना पकाना तो दूर, खाने के मसाले जात भी प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम थे, और शादी होकर मैं फ़ौरन फ़ौरन ही बाहर चली गई थी अफ्रीका, और इस बंदे ने उफ भी नहीं कही और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं जैसा खाना बनाती थी खा लेते थे खुद ही। बस एक कहते ना, मोहब्बत का रिश्ता ऐसा होता है कि फिर जब आपको शोहर से मोहब्बत हो, एक दूसरे का ख्याल हो, एहसास हो, तो फिर आप अपने आप को लाइक बेटर वर्जन बनाने के लिए कोशिश करते हो। तो मैंने बहुत कोशिश की, स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम नॉट द बेस्ट। और मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा भी है, कुछ इस तरीके के मर्द हजरात होते हैं जो कहते हैं कि उठ के पानी भी नहीं पीते हैं, उनको एक नामुनासिब बात लगती है कि भाई मैं क्यों पानी पीऊँ। मतलब भाई ऑन अ वेरी लाइट नोट, भाई और जो भी मर्द हजरात हैं, पानी पी लिया करें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अहलिया मसरूफ़ हैं या थोड़ी बीमार हैं या मतलब नहीं भी है, तो आप पानी उठ के पी सकते हैं, लेकिन खैर एनीवे सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो मज़े की बात ये कि मैंने तो बचपन से अपने फादर को देखा है, जो मेरे बाबा होते हैं, तो हमेशा ही यूज़ टू हेल्प मम्मा, क्योंकि वो भी हम लोग भी सऊदीया में एक टाइम गुजार के आ चुके हैं अकेले, तो हम लोग भी दोनों छोटी छोटी बहनें होते थे साथ, तो बड़ी अच्छे से वो हेल्प करते थे। स्टिल अभी भी मैं देखती हूँ कभी कभी वो मम्मा बाबा मिल के जो वो कैबिनेट की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। तो जनाब ये देखें, बड़ा क्यूट सा ब्लैंकेट हस्बैंड लेके आया है, बिकॉज विंटर स्टार्ट हो गई थी, मतलब विंटर्स में इतना कूजी कूजी सा माहौल हो जाता है ना, रूम कितना कूजी लगता है। तो ये जो ब्लैंकेट है ना फ्रीज वाला, ये 10 यूरो का लेके आया है मार्टी मुनी से, जहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और फिर इससे पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमने चाइनीज़ स्टोर से लिया था, बिकॉज हम लोग बिल्कुल न्यू नहीं होते, हमें कुछ चाहिए था ओढ़ने के लिए, तो वो हमने 18 यूरोज़ को लिया था। तो सी कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप एक्सप्लोर करते हैं अच्छी जगहें, रीजनेबल जगहें, बजट फ्रेंडली। तो यस, आई विल रिकमेंड कि मार्टिन मुनीस से जाकर आप लोग अपना घर का सामान लेके आ सकते हैं, बिग बाजार है वहाँ पे कुछ है ऐसा। तो जनाब मैंने सोचा कि यार इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने कुछ भी अच्छा मज़ेदार से नहीं पकाया है, तो एक्चुअली ये जो सब वेजिटेबल्स थी ना, ये मैंने मंगाई भी थी। मैंने सोचा था कि मैं चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगी या जो रेगुलर चिकन सूप होता है, तो सर्दियाँ थी तो, लेकिन फिर एक दिन पहले आई वॉज फीलिंग डाउन और टाइम भी काफ़ी हो गया था, जबकि मैंने यखनी जो होती है ना वो बना के रखी हुई थी, ऑर्गेनिक चिकन जो होती है देसी चिकन की, तो वो मैंने बना के रखी हुई थी, तो उसको गलने में 2-2.5 घंटे लग गए, तो इतना टाइम हो गया था। मैंने कहा जिशान अब मैं नहीं बना रही, कल कुछ बना लेंगे। देन आई डिसाइडेड नॉट टू मेक सूप, मैंने कहा अगर सूप बना लूँगी तो फिर रात में खाना क्या खाएंगे, बिकॉज सूप से तो फिर और भूख लग जाती है, और सूप तो एक एपेटाइज़र है। तो बस यहाँ पर मेरे अंदर की जो ज़ुबैदा आ पाए ना जो है अंदर का शेफ़ होता है, वो जाग उठा और मैंने सारी सब्ज़ियाँ ना कटिंग की खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ, टाइम लगा के ये सब मैंने बॉईल, ये चिकन भी मैंने बॉईल करके रखा था, इसको मोटा मोटा श्रेड कर लिया। ये सारी वेजिटेबल्स आपके सामने मैंने काटी है, जिसमें कैप्सिकम है और चाइनीज़ कैबेज अलग थी और नॉर्मल कैबेज अलग थी। तो अब बस हम यहाँ पे, मैंने सोचा कि कुछ फ्यूजन सी डिश क्रिएट करती हूँ, और यकीन करें इतने मज़ेदार बनी थी ना, लाइक बहुत मज़ेदार बनी थी। मैं तो अब चाइनीज़ राइस के आगे इसको प्रेफर करूँगी। ये कुछ मसाले जाते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, मैंने हल्का सा प्याज को फ्राई किया, लाइक बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बिकॉज इट इज़ अ फ्यूजन डिश, मैं चाइनीज़ पुलाव बना रही हूँ, तो लाइक ये इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ का भी टच आएगा और जो देसी पुलाव वाला है वो भी आना चाहिए। तो जिसके लिए मैंने थोड़े से गर्म मसाले ऐड किए हैं, और मटर और आलू मैं पहले ऐड कर रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगते हैं, बाकी की वेजिटेबल्स हम रॉ भी खा सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि 50% कुक हो गए हैं, तो फिर रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स मैंने डाल दी, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने कैरेट ऐड की। और अच्छा, इन सबको काटने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बिकॉज एज यू कैन सी हर चीज़ कितनी जूलियन स्लाइस में प्रॉपर कटी हुई है। कैबेज ना, मुझे ये जो चाइनीज़ वाली कैबेज है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक इसकी कोल्सलॉ या आप किसी भी चीज़ में डाल के खाने सैलड में बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी होती है। तो पहले तो मेरे पास नॉर्मल वाली थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने डाल दी, थोड़ी सी चाइनीज़ कैबेज भी मैंने डाल दी, और ये मोटी मोटी श्रेड की हुई चिकन जो कि मैंने सूप के लिए बना के रखी हुई थी, और ये जूलियन कटे हुए स्लिटेड ग्रीन चिलीज भी मैंने ऐड की, बिकॉज आई लव ग्रीन चिलीज़, और मैं मिर्चें बहुत शौक से खाती हूँ। और इसके अंदर यकीन करें, ये जो मैंने स्टार्ट में बादियान का फूल डाला ना, इससे तो लेवल नेक्स्ट हो गया था राइस का। और मैं बस ये 4 मसाले ऐड करूँगी, लिख दी है मैंने, और सोया सॉस ऐड कर दूँगी। और ये इस वक्त इतनी मज़ेदार हो गई थी ना खाने वाली, मेरा तो बस दिल कर रहा था मैं इसको
ऐसे ही खा लूँ या इसके अंदर बॉयल्ड मैक्रोनीज वगैरह डाल के खा लूँ, लेकिन मैंने कहा चलो यार राइस बना देते हैं। ये वो यखनी है जिसको मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के ना बॉयल किया हुआ था, और लाइक बिकॉज इट इज़ अ फ्यूजन डिश तो इसको मैं थोड़ा सा बॉयल आने का वेट करूँगी। नाउ अब ये बॉयल हो गया है तो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल भिगोए हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं, और बस इसका पानी का लेवल और सॉल्ट का लेवल चेक करके ना यहाँ पर मैंने देख लिया कि सॉल्ट ठीक है। तो यस, और यहाँ पर अंडा हम फ्राई करेंगे बिकॉज इट्स अ चाइनीज डिश, स्क्रैम्बल एग के बगैर तो इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाल दिया था फॉर द यू नो प्रेजेंटेशन, अच्छा लगना चाहिए आपका खाना। तो राइस डन हो गए थे, थोड़े से मैंने इसके ऊपर टॉप कर दिया था और थोड़ा सा मैंने सेव कर लिया है जो कि जिशान की प्लेट पर मैं डेकोरेट करके उनको दूंगी, बिकॉज आई लव टू डेकोरेट फूड। मुझे होता है कि बस फूड अच्छा सा प्रेजेंटेबल हो, प्यार लगे अच्छा लगे। तो वैसे मेरी जो मेन सर्विंग डिश होती है ना वो जिशान की होती है, बिकॉज मैं उन्हीं की डिश को सबसे ज़्यादा वो डेकोरेट करती हूँ, मैं तो खुद ऐसी खा लेती हूँ। मुझे होता है कि उनके पास प्लेट जाए तो अच्छी सी नो जाए और वो खुश हो। तो मैंने बस यहाँ पे उनकी मैं प्लेटिंग स्टार्ट करी हूँ, मैंने उनसे कहा कि ना कि रिव्यू भी देना है, तो ही लाइक्ड इट। तो इसको ये है कि आप चाहें तो कोई से भी मंचूरियन वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, वेज मंचूरियन के साथ, रायते के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, बहुत मज़ेदार बना था। और मैंने अभी सुबह उठ के नाश्ते में भी ब्रंच में भी यही खाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही लाइक द फूड, और क्या चाहिए। लाइट ख़राब हुई हुई है, ये देखें लगनी है, तो मैं यहाँ रिव्यू लूँगी ताकि मुझे पता चले। दिस इज़ बाय द वे देसी चिकन, ओके बी रियल चाय, ओके दिस इज़ गार्लिक एंड जीरे वाला रायता, चाइनीज पुलाव। हाँ ओके है, चाइनीज पुलाव होना चाहिए, मतलब पुलाव और उसमें आई मीन इट टेस्ट गुड और नॉट, नहीं मजा आ रहा है, अच्छा है मजा आ रहा है, मतलब पुलाव भी हो रहा है। हाँ मतलब फ्यूजन डिश है ये बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।